हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से बात करने वाले हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के बारे में। यहाँ पे बड़ी खबर निकल कर के आ रही है और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि आज की गिरावट यहाँ पे किस तरह की रही और कल की यहाँ पे सिचुएशन किस तरह की रह सकती है। सभी चीज़ों के बारे में डेफिनेटली आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगा। वीडियो के साथ आप पूरा पूरा जुड़े रहे। सबसे पहले बताऊँ कि यहाँ पे मैंने RBL बैंक में आज 10% की लोअर सर्किट लगी थी फिर से, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी है कि यहाँ पे बहुत बड़ी खबर मैनेजमेंट के द्वारा बताई गई है जिसके चलते आज RBL बैंक में फिर से गिरावट की सिचुएशन रही। तो इस वीडियो को भी आपको डेफिनेटली देखना है और बाकी काफ़ी सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं, तो आप सभी वीडियो को वन बाय वन वॉच आउट कर सकते हो। फिलहाल अभी चलेंगे कि यहाँ पे किस तरह की सिचुएशन रही थी वोडाफोन आइडिया की। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे पहले तो गूगल पे लेकर ही जाने जाऊँगा और गूगल पे क्लोजिंग की सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे गूगल पे लेके आए हो ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया मैंने सर्च करके रखा है। 14 रुपये पे यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई दे रही है, 3% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग एक दिन की तेजी के बाद यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। कारोबार की सिचुएशन देखो तो कारोबार की सिचुएशन किस तरह की है वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। NSE की वेबसाइट पे लेके आए हो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 14 रुपये के आसपास क्लोजिंग। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 14 रुपये 45 पैसे, ओपन भी 14 रुपये 45 पैसे के आसपास ही हुआ, हाई 14 रुपये 80 पैसे, मतलब कि आज भी 15 रुपये का लेवल है वहाँ पे अप्रोच करने की कोशिश करी। वहाँ से बिकवाली का माहौल, 13 रुपये 90 पैसे का लो और यहाँ पे 14 रुपये के आसपास का एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस बताया जा रहा है। यहाँ पे जो डिलीवरी की सिचुएशन है वो आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। क्वांटिटी ट्रेड हुई है 39 करोड़ 64 लाख शेयर की, जिसमें से डिलीवरी हुई है 13 करोड़ 94 लाख शेयर की और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी इतनी गिरावट के बावजूद भी मैं बताना चाहूँगा कि 35% से ज़्यादा है। तो कारोबार की सिचुएशन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नज़र आ रही है। अभी जो खबर है जो कि कल की खबर है उसी के रिलेटेड है और यहाँ पे उसमें वो एक्सपर्ट्स का और एक यहाँ पे बयान निकल करके आ रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कल इकरा ने, जैसे कि मैंने कल आपके सामने ये न्यूज़ प्रेजेंट भी करी थी कि इकरा ने जो पूरे टेलीकॉम सेक्टर का आरपू है वो 170 कर दिया है। इसके चलते यहाँ पे टेलीकॉम टॉक के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि एयरटेल और वीआई को इस जो आरपू का टारगेट दिया है उससे बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं वही दो ऐसे प्लेयर है जो कि इसका मतलब कि जो इंडस्ट्री में आगे और ज़्यादा ग्रो करने की इसके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्षमता है, क्योंकि रिलायंस जियो ऑलरेडी अच्छा खासा मार्केट शेयर कवर कर चुका है और यहाँ पे सेकेंडरी ऑप्शन जो है वो वोडाफोन आइडिया ही सबकी यहाँ पे पसंद हमेशा रहती है। और अगर ये इंडस्ट्री का आपको 170 जाना है तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल दोनों यहाँ पे स्टार बन सकते हैं 2022 में, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। और इसी के चलते यहाँ पे ऐसा बोला है कि VI और भारतीय एयरटेल को यहाँ पे जो आरपू का टारगेट इकरा की तरफ से दिया गया है उसमें डेफिनेटली खुश होना चाहिए। ऐसी खबर यहाँ पे अच्छी निकल करके आ रही है, उसके बावजूद भी हालांकि शेयर में गिरावट है और गिरावट के पीछे मुझे लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आज जो कि आज एक्सपायरी थी तो वो सेटलमेंट के चलते भी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे सकती है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बना करके रखी होगी और एक्सपायरी के दिन उसको वेंड अप तो करना ही करना है। और इसी के चलते मुझे लगता है ये शेयर प्राइस में आज गिरावट की सिचुएशन रही, फिर से कल नॉर्मल होने की डेफिनेटली पूरी पूरी संभावना है। मैं चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा, चार्ट पे सिचुएशन किस तरह की है वो डेफिनेटली बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहे। दोस्तों जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे लेकर आए और यहाँ पे चार्ट आपके सामने है, बड़े कंसोलिडेशन के बाद बढ़िया तेजी और यहाँ पे 14 रुपये 80 पैसे के आसपास यहाँ पे सप्लाई जोन था उसको हिट किया और उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आज यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अभी सिचुएशन किस तरह की वोडाफोन आइडिया में रह सकती है, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे डेफिनेटली इस सिचुएशन बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो इसको मैं यहाँ पे साइड पे कर लूँ ताकि मैं आपको पूरी तरह से डिटेल प्रेजेंट करने की कोशिश कर सकूँ। यहाँ पे देखिए अभी जो सपोर्ट निकल करके आएगा वो 13 रुपये 80 पैसे से लेकर 13 रुपये 75 पैसे अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो डेफिनेटली वहाँ सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। ऊपर 14 रुपये 20 पैसे का रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करेगा तो 14.5 और 14 रुपये 80 पैसे फिर से ये तीन रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ दिखाई देंगे और मुझे लगता है 13 रुपये 75 पैसे 13 रुपये 80 पैसे का जोन है वो अपने अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। यहाँ पे वॉल्यूम देखें, कल तेजी आई तो वॉल्यूम बहुत बढ़िया था और यहाँ पे आज गिरावट में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़े लोग अभी भी इसमें से निकले नहीं है। कल जिन लोगों ने बड़े लोगों ने बाइंग करी है वो कहीं ना कहीं अभी भी इसमें बने हुए हैं और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ही जो कि छोटी मोटी क्वांटिटी में यहाँ पे सेल करते हुए नजर आए, जिसके चलते आज गिरावट की सिचुएशन देखने को मिली। RSI का लेवल देखें तो RSI का लेवल 42.5 के आसपास का है, वीक बना हुआ आ रहा कि
परंतु यहाँ पे कहीं ना कहीं मिड टेरिटरी के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है। वंस यहाँ पे ये सपोर्ट जोन को टकराएगा, मुझे लगता है फिर से तेजी की साइकिल आपको चालू होती हुई देखने को मिलेगी। तो वॉचआउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हम तो जैकपॉट कॉल्स यहाँ पे मैंने शेयर की है, अगर आप उनका पार्ट रहते तो डेफिनेटली इसका लाभ ले सकते थे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी यहाँ पे मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और डेली बेसिस पे फ्री कॉल्स पाने के लिए। साथ ही साथ बताना चाहूँगा प्राइम चैनल का भी लाभ ले सकते हो, उसका भी व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।